सब कुछ फिट कर लिया है। फिट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सप्लाई देंगे। ये देखिए हमारा SMPS आता है, SMPS को हम लोग क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। और सबसे पहली बात हम रैम लगाएंगे, रैम लगाने के बाद पावर कोड लगाएंगे। पावर कोड लगाने के बाद सिस्टम को हमने लगा दिया। अब सिस्टम लगाने के बाद सॉफ्टवेयर का डब्बा लेके हम इससे पेन ड्राइव हम लोग हार्ड डिस्क लगाएंगे। हार्ड डिस्क लगाया, इसमें सारे कट बने होते हैं, कट का आप ध्यान रखेंगे। ये हमने हार्ड डिस्क को लगा दिया। हार्ड डिस्क लगाने के बाद हम लोगों को इसमें विंडो इंस्टॉल करना है। माउस कीबोर्ड सब कुछ लगाएंगे। माउस कीबोर्ड रैम सारा सब कुछ लगा दिया। लगाने के बाद पेन ड्राइव को लगा देंगे क्योंकि विंडो इंस्टॉल करना है ना। अब हम लोग क्या करेंगे पावर केबल लेंगे। क्या करेंगे पावर केबल लेंगे। SMPS में पावर केबल लगा देंगे। वो दोनों दोनों कोड हटा दीजिए, वो दोनों हटा दीजिए, दोनों हटा दीजिए, उसको भी हटा दीजिए। हाँ जी छोड़ दीजिए, इसको लगाइए। हम लोग क्या करेंगे अब स्क्रीन लगाएंगे। हमको क्या करना है दोस्त, इसमें विंडो इंस्टॉल करना है। क्या करना है विंडो इंस्टॉल करना है। विंडो इंस्टॉल करने के लिए हमको HDMI केबल लगाना है। इसमें HDMI VGA का दोनों ऑप्शन आते हैं। स्क्रीन में थोड़ा पकड़े देना, हाँ ऐसे। ये हमने सारा सबको लगा दिया, स्क्रीन लगा दिया, रैम लगा दिया, सारा सब कुछ सारा कनेक्शन ओके कर दिया। कनेक्शन ओके करने के बाद पावर कोड लगाइए इसको।
अब पावर कोड लगाने के बाद, हाँ ठीक है, ऑन है, कोई दिक्कत नहीं, सारा सब कुछ ऑन है। हम लोग क्या करेंगे, चिमटी से इसकी पिन को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। उसके बाद स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। जैसे स्पेस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा सिस्टम बूटिंग मोड में चला जाएगा। विंडो 10 का मैंने पेन ड्राइव ऑलरेडी लगा रखा है, यहां पर विंडो 10 का लोगो बन के आएगा। फर्स्ट टाइम ऑन होता है, थोड़ा सा सिस्टम समय लेता है। ये हमने i5 की मशीन तैयार करी है, जिसमें से 8 GB रैम है, 256 SSD है और i5 प्रोसेसर लगा हुआ है। ये सॉफ्टवेयर करने के लिए बढ़िया है और इसमें से हम जितने भी मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर सारा काम कर सकते हैं। विंडो का लोगो आ चुका है, लोगो आने के बाद फिर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके स्क्रीन में इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। यहाँ पर आई डोंट हैव, आप नीचे आएंगे, वर्क स्टेशन ले लेंगे, 64 बिट का विंडो सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। आप ISF पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एडवांस में जाकर के एंटर करेंगे। यहाँ पर अगर देखेंगे तो अभी हमारी हार्ड डिस्क नहीं डिटेक्ट कर रही। क्यों हार्ड डिस्क नहीं डिटेक्ट कर रही, क्योंकि मैंने हार्ड डिस्क को अभी पावर नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, पावर नहीं दिया है। चलो दोस्तों, हम लोग हार्ड डिस्क को पावर देते हैं। पावर देने के लिए एक बार दोनों को पावर कोड हटाइए वहां से, इसको भी हटाइए, उसको भी हटाइए। हमारा कंप्लीटली शट डाउन हो चुका है। क्योंकि जब तक हम लोग हार्ड डिस्क को पावर नहीं देंगे तो, अब हमने हार्ड डिस्क को पावर दे दिया है। हार्ड डिस्क को पावर देने के बाद दोनों सिस्टम लगाइए, शॉर्ट करना है। जैसे शॉर्ट करेंगे प्रोसेस चालू होगा। एक बार स्पेस बटन को प्रेस करेंगे जिससे हमारा सिस्टम बूटिंग मोड में चला जाएगा। कई बार ऑटोमेटिक चला जाता है। ये विंडो का लोगो आया, फिर वैसी तरीके से प्रोसेस। देखिए हार्ड डिस्क को SSD को पावर दी जा चुकी है, SSD के अंदर हल्का सा एक लाइट जल रहा है, पहले लाइट नहीं जल रहा था। ये हमारे विंडो का लोगो आ चुका है, फिर सेम उसी तरीके से प्रोसेस आएगा। आपको यहाँ पर नेक्स्ट करिए, इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद आई डोंट हैव क्लिक करेंगे, वर्क स्टेशन, नेक्स्ट, ISF, नेक्स्ट, एडवांस। ये देखिए हमारे 256 SSD दिखा रहा है, मैंने 256 SSD को लगाया है, मैंने न्यू पे क्रिएट किया तो हमारी 24 है। तो 24 को हम लोग क्या कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं और इसको हम लोग 3 कर देते हैं। तो हमारा क्या होगा, 130 GB का एक पार्टीशन हो जाएगा और 100 GB का एक पार्टीशन हो जाएगा। तो हमारे CD डो ड्राइव हम लोग बनाने वाले हैं। ओके किया, ये हमारा एक बन चुका है, दूसरा हमने ओके किया, न्यू किया, अप्लाई किया, तो ये हमारा दूसरा बन चुका है। ये हमारा हो गया सी, ये हमारा हो गया डी। हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ड्राइव होती है सारी ड्राइव को एक बार फॉर्मेट कर लेंगे। जब आप फॉर्मेट कर देंगे तो फॉर्मेट करने बाद ओके हो जाएगा। फॉर्मेट कर दिया, जब सारी ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया, फिर हमको सी ड्राइव, पहली ड्राइव को सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना। इसमें हमारा इंस्टॉलेशन चालू हो गया, ये हमारा सेटअप इंस्टॉल होना चालू हो गया। 3%, 4%, 5%, 6%, 10% ऐसा सारा इंस्टॉल होगा। अब हमारी ये कैबिनेट आती है, इस कैबिनेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा केबल आती है, इसमें से ये LED, पावर ऑन, रीसेट स्विच इसका दिया होता है, और ये आपका दिया हुआ है USB का, साउंड पैनल का इसका दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे स्पीकर
ये हमारा ऐसे दिए होते हैं, नट बोल्ट स्क्रू कुछ भी कह सकते हैं, ये सब साथ में आते हैं। हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। जो हमारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा ये पूरा, इसको हम लोग क्या करेंगे, कसेंगे। जितने भी सारे जो नट बोल्ट होते हैं ये नट बोल्ट यहाँ पर कस देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा मदरबोर्ड कसा जाएगा। क्या कसा जाएगा भैया? मदरबोर्ड। तो इसको हम लोग अच्छे से कस लेते हैं। कटर या प्लास की सहायता से आप इसके जितने भी सारे स्क्रू दिए हुए हैं सबको क्या करेंगे, कस लेंगे। तो ये हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है। जैसे सिस्टम रिस्टार्ट होगा तो आप पेन ड्राइव को हटा देंगे। अगर पेन ड्राइव नहीं हटाएंगे तो फिर आपका सिस्टम बूटिंग मोड में चला जाएगा। पकड़े रहो, स्क्रीन को पकड़ो जरा। अब हमारा पूरा सेटअप रेडी हो जाएगा। सेटअप रेडी होने के बाद अब हमारा विंडो इंस्टॉलेशन चालू हो गया है। विंडो जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो विंडो इंस्टॉल करने के बाद जस्ट ए मूवमेंट का ऑप्शन आएगा। और हमारा विंडो स्क्रीन सेटअप खुलना चालू हो जाएगा। ये देखिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यस करेंगे, अपने इंडिया इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे, स्किप कर देंगे इसको, आई डोंट हैव इंटरनेट, कंटिन्यू लिमिटेड सेटअप में जाएंगे, नाम देंगे, क्या नाम लिखते हैं, हमने इरफान लिखते ना, इमरान, नेक्स्ट किया मैंने, नेक्स्ट किया, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया, हाय, यहाँ पर हमारी स्क्रीन में हाय हेलो लिख के आ गया है। दिस माइट टेक सेवरल मिनट, कुछ मिनट के इंतजार करें, बस आपके सामने पूरा कंप्यूटर चालू होने वाला है।
फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें पैक करेंगे। एक सिस्टम को इंस्टॉल करने में समथिंग 30 से 40 मिनट का समय लग जाता है, डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर। देखिए मे बी लेटर यहाँ राइट क्लिक करेंगे, माई कंप्यूटर कंट्रोल पैनल नहीं आ रहा, पर्सनलाइज में जाएंगे। पर्सनलाइज के बाद सेट थीम में जाएंगे, थीम के बाद नीचे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर कंट्रोल पैनल माई कंप्यूटर पर टिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, क्लोज करेंगे। माई कंप्यूटर में जाके देखेंगे तो आपका सी ड्राइव, डी ड्राइव दोबारा, ये हमारा पेन ड्राइव है, इसको हम लोग हटा लेंगे। अब हमारा सिस्टम पूरा बन गया है। सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा साउंड है, और यहाँ से आप इंटरनेट वाईफाई कनेक्ट करने के लिए है, ये आपका कंप्यूटर है, कंट्रोल पैनल, इसके अंदर सारे फीचर सेटिंग, इसके अंदर हम लोग देखेंगे माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पर प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाके देखेंगे तो यहाँ पर i5 सिस्टम है, 2.9 GHz प्रोसेसर लगा है, 8 GB रैम लगा है, 64 बिट का विंडो डाला हुआ है, 64 बिट का OS पड़ा हुआ है, विंडो 10 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है, ये पूरा नया सिस्टम है, पूरा नया सिस्टम हम लोगों ने असेंबल किया है। हम इसको क्या करेंगे, शट डाउन करेंगे, शट डाउन करने के बाद ये हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा। अब बंद होने के बाद इसको इसको डब्बे के अंदर फिट करेंगे, कैबिनेट के अंदर फिट करेंगे, वहाँ के पावर कोड हटा दीजिए। इसको लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम के अंदर SMPS को कस देंगे। इसका खांचा कट कुट वगैरह सब मिला लेंगे। अलग दिया हुआ है यहाँ पर, हम लोग साउंड कार्ड है, VGA कार्ड है, ग्राफिक कार्ड है, लैन कार्ड है, कोई भी चीज कंप्यूटर में खराब हो जाती है तो आप अलग से भी लगा सकते हो, ये इसके अंदर फीचर दिया होता है। एडिशनल चीज को आप बढ़ा भी सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, आप अपनी सुविधा के हिसाब से। उसके बाद अब आपको मदरबोर्ड लेना है, मदरबोर्ड को सिस्टम में फिट करना है। ये हमारा प्रॉपर बैठ जाएगा, जितने भी सारे स्क्रू हैं वो अपनी अपनी जगह पर।
ये हमारा यूएसबी का पैनल है, हम लोग यूएसबी पैनल लगा देंगे, इसको लगा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग पावर स्विच लगाएंगे, रीसेट का स्विच लगाएंगे। ये हमने पावर स्विच लगा दिया। पावर के बाद फिर हम लोग रीसेट स्विच लगाएंगे। इसका ही वीडियो बना देंगे। चलो तीन से चार हजार में तो मुंह देख रहा है को? सर का मुंह देख रहा हूँ बुला रहा। हम लोग क्या करेंगे फाइनल सिस्टम को इसका भी प्लग लगाओ।
ये देखिए हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है, ये हमने पूरा कंप्यूटर बना लिया। इसमें वाईफाई चलाने के लिए वाईफाई डोंगल आता है, डोंगल को हम लोग क्या करेंगे सिस्टम में लगाएंगे, स्क्रीन को पकड़ कर रखिएगा। डोंगल को लगाने के बाद ये देखिए जैसे वाईफाई ऑन होगा तो यहाँ पर एक क्लिक के आ गया, हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये हमारे सिस्टम में वाईफाई कनेक्ट हो गया है। वाईफाई कनेक्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें गूगल डाउनलोड करेंगे। और आप देखेंगे तो जैसे हमने पूरा सिस्टम आपको रेडी करके दिखाया हुआ है, इसी तरीके से हमारे पास कोई भी सिस्टम आता है तो हम लोग उसको बना सकते हैं। टाइम डेट अपडेट करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर इसको ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद ये ऑटोमेटिक ले लेगा। क्लोज करेंगे, अपडेट एंड टाइम डैम 2:07 बता रहा है तो ये हम लोग ऑफ करेंगे। जोन ऑन सब कुछ ले रखा है, अब इसको इंटरनेट की जरूरत है, इंटरनेट कनेक्ट होते ही इसका टाइम डेट वगैरह सारा सब कुछ सही हो जाएगा। और आप अगर मैनुअली सेट करना चाहते हो तो सेट में जाओ और मैनुअली को कहीं और कहीं ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर चेंज आ रहा है मैनुअली जनवरी और ये क्या चल रहा है हमारा नवंबर, कितना चल रहा है तारीख हमारी